पार्ट में हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था। अब हम क्या करेंगे कि अपने मेन कलर से हम 50 फंदा बढ़ाएंगे, 1, 2 ऐसे उनको उंगली पे लपेटेंगे और सिलाई पे ऐसे चढ़ाते जाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमने 50 फंदे बना लिए। अब सभी को हम सीधा बुनेंगे। सभी फंदों को हमें सीधा बुनना है। पहली लाइन में थोड़ी सी परेशानी होती है, फिर बुनना आसान हो जाता है। धीरे धीरे करके सभी फंदे सीधा बुन लेंगे। तो हमने 50 फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम 60 फंदों को भी सीधा बुन लेंगे। अब ये बीच के 60 फंदों को भी हम सीधा बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 60 फंदों को भी सीधा बुन लिया। अब हम दूसरी साइड भी, इस साइड भी 50 फंदे बढ़ाएंगे। बढ़ाने का तरीका वही है, उंगली में ऐसे लपेटेंगे और फंदे बनाते चले जाएंगे। तो हम दूसरी साइड भी 50 फंदे बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरी साइड भी हमने 50 फंदों को बना लिया। अब चूंकि ये उल्टा साइड है, इसलिए अब हमें इन 50 फंदों को उल्टा उल्टा बुनना होगा। तो हमने 50 फंदे उल्टे बुन लिए। अब हमारा ये दूसरा लाइन है और हमें 20 लाइन कंप्लीट करना है। तो सारे फंदों को प्लेन बुनते हुए, यानी आगे से सभी फंदों को सीधा बुनते हुए और रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए 20 लाइन कंप्लीट करना है। तो 20 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 20 लाइन कंप्लीट कर लिया है। इसको ऐसे गिनेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 लाइन। तो 20 लाइन कंप्लीट होने के बाद हम अब दूसरा कलर अटैच करेंगे। दोनों कलर से हम एक एक फंदा अल्टरनेट उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। नीचे करेंगे, दूसरे वाले कलर को उठाएंगे, उल्टा बुनेंगे। अब इसको नीचे करेंगे, दूसरे वाले कलर को उठाएंगे और उल्टा बुनेंगे। तो हम दोनों कलर से अल्टरनेट उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों कलर के ऊन से एक एक फंदा उल्टा अल्टरनेट उल्टा बुनते हुए मैंने लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और फिर
दोनों कलर के ऊन से हम सीधा बुनेंगे। जो जिस कलर से बुना गया है उसी कलर से हम सीधा बुनेंगे। जो जिस कलर से बुना गया है उसी कलर से हम उस फंदे को सीधा बनते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों कलर के ऊन से एक एक फंदे को सीधा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इस कलर का काम नहीं है तो इसे हम काट देंगे और गांठ लगा देंगे। तो इस समय सिलाई पे 160 फंदे हैं, 50-50 फंदे जो हमने साइड के बढ़ाए थे वो, और 60 फंदे आस्तीन के। तो अब हम 50 फंदों को सीधा बुनेंगे। दो, तो हमने 50 फंदे सीधे बुन लिए। अब हम दो फंदों को सीधा बुनेंगे और पहले फंदे को उठाएंगे और दूसरे वाले फंदे पर चढ़ा देंगे। फिर अगला फंदा बुनेंगे, पिछले वाले फंदे को हम आगे वाले पे चढ़ा देंगे। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 60 फंदे बीच के घटा लिए, यानी हमने आस्तीन पे जितने फंदे थे उतने फंदे घटा लिए। अब 50 फंदे इस साइड में हैं, अब 50 फंदे इस साइड में हैं और 50 फंदे दूसरे साइड में हैं। तो हमारा ऊन यहाँ पे है और अब हम शेष फंदों को सीधा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदों को सीधा बुनते हुए मैंने लाइन कंप्लीट कर लिया। तो अब हम सिर्फ घटाने के मतलब इसी पार्ट को हम सिर्फ बुनेंगे और हम 24 लाइन तक बुनेंगे। अभी तक हमने 20-20 लाइन बुना था, अब की हम 24 लाइन बुनेंगे। तो 24 लाइन बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सीधा उल्टा बुनते हुए 24 लाइन कंप्लीट हो गया है। तो अब हम यहाँ पे अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे। और फिर दो लाइन का डिजाइन, यानी दोनों कलर से हम एक एक फंदा उल्टा बुनेंगे। एक बार एक कलर के ऊन से और फिर दूसरे कलर के ऊन से इसे नीचे करेंगे, दूसरे वाले कलर को उठाएंगे, उल्टा बुनेंगे, फिर इसे नीचे करेंगे, अब पहले वाले कलर को उठाएंगे, उल्टा बुनेंगे, नीचे करेंगे, उठाएंगे, उल्टा बुनेंगे, फिर इसे नीचे करेंगे, दूसरे वाले कलर को उठाएंगे, उल्टा बुनेंगे। इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों कलर के ऊन से एक एक फंदा उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और फिर अब हमें बुने हुए फंदे को
सीधा बुनना है, जो जिस कलर में है उसी कलर के उनसे सीधा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी फंदों को सीधा बुनते हुए, अल्टरनेट कलर से सीधा बुनते हुए हमने लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हमें फिर अपने मेन कलर से सभी फंदों को 24 लाइन तक प्लेन बुनना होगा, यानी आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी 24 लाइन मैंने इस पार्ट को भी बना लिया, ये भी 24 लाइन कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे, अब शेष नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।